अभी हम लोग पूरा ये पार्क घूम के आए और अद्भुत पार्क है। मैं सबसे पहले नगर निगम को, उनके सभी अधिकारियों को, मेयर को, कमिश्नर को, इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, जिन लोगों ने भी इस पार्क को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं एलजी साहब से बात कर रहा था कि इस पार्क की फाउंडेशन पिछले साल आपने रखी थी, इसी अगस्त के महीने में पिछले साल एलजी साहब ने इस पार्क की फाउंडेशन रखी थी। एक साल के अंदर ये पार्क बनके तैयार हुआ और जिस तरह से अपने देश की संस्कृति और अपने देश के इतिहास को इतने सुंदर तरीके से इस पूरे पार्क में कचरे से, वेस्ट टू आर्ट, कचरे से बना के दिखाया गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे जब चंडीगढ़ जाते हैं तो किसी से भी बात करो कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ कहाँ जाऊँ घूमने के लिए, तो लोग कहते हैं रॉक गार्डन जरूर जाना। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन के नाम से मशहूर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली जो है वो इस शहीदी पार्क के नाम से मशहूर हो जाएगी, कि कोई अगर दिल्ली आएगा तो वो कहेगा कि लाल किला भी देख के आना, कुतुब मीनार भी देख के आना, लेकिन शहीदी पार्क भी जरूर देख के आना। बहुत ही अद्भुत बनाया गया है और जिस तरह से इतिहास को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिल्ली के सभी स्कूलों में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। एक एक करके स्कूलों का नंबर आता जाएगा कि स्कूलों के बच्चों को, हर स्कूल के बच्चों को कंपलसरी यहाँ पे फ्री में देखने के लिए लाया जाएगा। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ बच्चों को फ़ायदा भी इससे होगा। दूसरा, इतना शानदार पार्क बनाया, अब नगर निगम से बहुत सारी और उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है नगर निगम। वो चीज़ें हैं जिसको लेके नगर निगम से बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, एक है दिल्ली की सफाई और दूसरा है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। नगर निगम को हमेशा फंड्स की कमी रहती है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने नगर निगम में भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया, जिसके ऊपर प्रयास शुरू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर नगर निगम जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा, रेड से ग्रीन में चला जाएगा और नगर निगम को फंड्स की कमी नहीं होगी। जो फर्स्ट क्वार्टर के भी अभी नतीजे आए हैं, मुझे बताया गया कि फर्स्ट क्वार्टर में नगर निगम का कलेक्शन जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जितना भी हो सकेगा नगर निगम को फंड्स में हम पूरी तरह से मदद करेंगे और उसके बाद जनता उम्मीद करती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी जैसी दिखनी चाहिए। जितना साफ सुथरा सुंदर शहीदी पार्क बनाया है, ऐसे ही साफ सुथरी दिल्ली, पूरी दिल्ली अपने को बनानी है। इसमें नगर निगम का भी रोल है और इसमें दिल्ली की जनता का भी रोल है, जनता को भी साथ लेके अपने को दिल्ली की सफाई करनी है। उस बारे में भी मैं समय समय पर पूछता रहता हूँ, मुझे बताया गया है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त नगर निगम दिल्ली को साफ करने के लिए शुरू कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी दिल्ली के लोगों को सफाई के क्षेत्र में भी नगर निगम का के नतीजे जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। मैं एक बार फिर से नगर निगम को ये शहीदी पार्क, शानदार शहीदी पार्क बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार।